आदा बच्चों, अब सब्जेक्ट जो मैथ क्लास 10 सब्जेक्ट में कार्ड इक्वेशन नेचर ऑफ रूट्स है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा पार्ट, ये हमारे पास पार्ट है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स। के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे ये हैव इक्वल रूट्स। हमने पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इसको पहले मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला लाना है और हमें ये बताना है, बताया गया है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स ज़रब प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस टू के, सी इज इक्वल टू सिक्स। नाउ इक्वेशन है इक्वल रूट्स, डी इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, बी माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सी सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टू टू ज़ा फोर के स्क्वायर माइनस चार छः गो सूह के इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या निकलेगा कामन, फोर निकलेगा कामन और के निकलेगा कामन, यहाँ क्या रहेगा के माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो गोस इधर दो फैक्टर होंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, फोर इज इक्वल टू ज़ीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सो गोस के इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो बटा फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक वैल्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि के इज इक्वल टू ज़ीरो बाई फोर हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू शाबाश सिक्स। अब k का वैल्यू क्या होगा ताकि इस इक्वेशन के के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स के इक्वल रूट्स होंगे। चूँकि k इज इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये वैल्यू नहीं हो सकता है बिकॉज क्योंकि यहाँ अगर k ज़ीरो बनेगा तो ये टर्म ज़ीरो और ये टर्म ज़ीरो, यहाँ निकलेगा हमें सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वही वो इम्पॉसिबल है। तो वो भी इम्पॉसिबल है कि जब के ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर भी उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो रहेगी नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री टू है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब यहाँ हम के का वैल्यू देखेंगे तो ये टर्म ज़ीरो बनेगी, ये टर्म ज़ीरो बनेगी, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉसिबल वैल्यू बिकॉज इट विल वैनिश द दिस इक्वेशन, इट विल नॉट, इट विल बी नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू सिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ सिक्स डालेंगे इसकी जगह और इसकी जगह, यहाँ सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस वुड, देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, ये था आपका दूसरा पार्ट। इसको अब हम इसका स्क्रीन शॉट उठाएंगे।